टुडे इज़ अ वेरी बिग डे. मेरे पास गिन्नी आई है. गिन्नी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ अ टोटली अ टिकटॉक स्टार और इनको आप लोग देखते भी होगे, जानते भी होगे. तो गिन्नी अपना इंट्रोडक्शन खुद देगी. जानो. हेलो गाइस, तो आपको नाम तो इन्होंने बता ही दिया, गिन्नी. एंड बेसिकली आई वॉज हैविंग 8.3 million फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक. एंड मेरे को कोई घमंड नहीं है उस चीज़ का. वो लोगों का प्यार है, मेहनत है, मेहनत है, मेहनत है. बता रही हूँ. तो अभी इंस्टाग्राम पे आई एम हैविंग 803K फॉलोअर्स. तो अभी फ़िलहाल मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे को ज़्यादा लाइक मैंने हेयर एक्सटेंशन यूज़ करी थी जो टेम्परेरी होती हैं बेसिकली. तो मैम ने वो चीज़ देखी एंड लॉन्ग हेयर जो मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तो इन्होंने मेरे को बोला कि दैट एक बार करवा के देखो. तो वो करवाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ. तो बेसिकली जो मैंने देखा, रिव्यू लोगों के चेक करे, तो मेरे को बहुत सही लगे वो चीज़ें. बिल्कुल मैम के भी नेचुरल लग रहे हैं. ये असली नहीं है. बिल्कुल असली लग रहे हैं. मेरी एक्सटेंशन है, मेरे असली बाल नहीं है. सो गिन्नी का क्या होता है, हाई प्रोफाइल होने के कारण इनके शूट्स वगैरह होते हैं तो बहुत सारी केमिकल वर्क एंड केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं गिन्नी के बालों में. आप लोग देख भी पा रहे होंगे तो इनके एंड्स बहुत डेड हो चुके हैं केमिकल रिएक्शन से. सो वी आर प्लानिंग फॉर परमानेंट हेयर एक्सटेंशन. और जैसे गिन्नी का मन था लंबे बाल, सो वी आर प्लानिंग. गिन्नी बोले सबसे लंबे बाल, तो हम लंबे बाल लगाएंगे गिन्नी को और थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे. केमिकल रिएक्शन हो रखा है तो डेफिनेटली मैं केमिकल प्लान नहीं करूँगी गिन्नी के लिए, क्योंकि रिएक्शन उसका उनके बालों में ऑलरेडी है. कहीं कहीं ब्रेकेज है बालों में बहुत सारी. मैंने हेयर कट करवाया तो 2-3 बार करवा लिया तो पैचेज रह गए हैं उसमें. तो मैम ने बोला वो सब चीज़ें फिक्स कर देंगे. एंड जो ये फ्रिजिंगनेस है इसको थोड़ा कैरेटिन करके हेल्दी कर देंगे. हम लोग कैरेटिन करके हम हेल्दी कर देंगे ताकि कोई केमिकल रिएक्शन हो. और गिन्नी का कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो अमित इसमें मेरी हेल्प करेगा. अमित प्लीज गाइड. पहले कलर डिसाइड करेंगे. So we are planning Guinea for you very chocolatey color. Chocolatey color 6.3 and 4.5 भी अच्छा color है. 4.5 भी अच्छा color है. Shine लगेगा, lust लगेगा deeper colors में. Generally क्या होता है, जब आप बहुत light color लगते हो तो बाल dry दिखते हैं और थोड़े deep colors में आपके बाल थोड़े से healthy और shiny दिखते हैं. So Guinea ऐसा लगा. बाकी अगर आपको light color plan है तो 6.5 भी अच्छा है. If you love lighter color. ये तो already नहीं है मेरे. नहीं, इससे ज़्यादा light है ये. ये इससे ज्यादा लाइट है. हाँ, इससे ज्यादा. ये तो डार्क ही लाइट आता है. सर मेरा लाइट है. अगर लस्टराइज बाल चाहिए तो 5.5 भी अच्छा है. 6. अगर लाइटर चाहिए तो 6.3 भी अच्छा है. दीज आर नाइस कलर्स. ये दोनों में से सही लग रहा है दोनों. 6.3 फुल ले लेते हैं हम. सो वी आर प्लानिंग फॉर गिनी डार्क ब्लॉन्ड कलर में थोड़ा सा गोल्डन रिफ्लेक्शन. सो वो प्लान करेंगे ताकि बाल थोड़े हेल्थी एंड स्टाइलिश लगें गिनी के. एंड एक्सटेंशन एंड कैरेटिंग का करेंगे. सो होल प्रोसेस आपके सामने है और गिनी का होल लुक देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर.
तो अभी क्या करने वाले हैं हम आगे? हम शेविंग हो चुका आपके बालों के अंदर, तो देन हेयर एक्सटेंशन अटैच करने वाले हैं आपके हेयर के अंदर। देखो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ये मेरे असली बाल ही है, मैंने कटवा दिए थे तो संभाल के रख लिए थे, अब दोबारा अटैच करवा, दोबारा से अटैच कर रहे हैं। हमने कटवाए ये जब मैं छोटी हुई बचपन में थी ना, बचपन में, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। अब मिल रहा है, अब मिल रहा है दोबारा से। तो इसको इसको ऐसे ही रहेंगे ये, या ये ऐसे ही रहेंगे बाल, बस सर्विस करानी पड़ेगी टाइम टू टाइम, आपने स्पा वगैरह हो गया, प्रोटीन हो गया, शैम्पू कंडीशनर इसके अलग से आएंगे, वो कैरी करना होगा। ओके, तो ये स्ट्रेटनिंग करते वक्त कान को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है? Yes, नहीं तो आपका कान सीधा हो जाएगा। We are back, गिन्नी के लॉन्ग हेयर्स, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है गिन्नी के लंबे लंबे बाल, वो सुंदर तो बहुत ही है। और गिन्नी आपको कैसा लग रहा है जाने? बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं आप देख सकते हो, एंड बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है कि कहाँ मेरे रियल हेयर हैं और कहाँ पे यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करी है। कलर भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा, कोई पैच नहीं है, नथिंग। एंड मुझे प्यारे तो बहुत ही लग रहे हैं, गिन्नी गिन्नी की स्माइल पे और गिन्नी की क्यूटनेस से भाई लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। और मुझे ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि गिन्नी के बाल देखो, पहले तो लेंथ देखो, इफ यू ऑल लव लॉन्ग लेंथ तो गिन्नी की लेंथ मुझे मैसेज करो कि गिन्नी की लेंथ आपको चाहिए है। और ऐसे ऐसे खूब सारे स्ट्रैंड्स को हमने अटैच करके गिन्नी के बालों को हमने एक्सटेंशन में लॉन्ग लेंथ का बाउंस दिया गया है। गिन्नी की बॉडी के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रैंड्स को वर्कआउट किया है, आप देखोगे तो कहीं पे भी कोई भी पैच नहीं है बालों का, ऑल आर बम्पी एंड इवनली डिस्टेंट। इनके अपने बाल कहाँ से स्टार्ट हो गए और एक्सटेंशन कहाँ पे है, सो ये बता। अगर ये बाल परफेक्टली ब्लेंड हो रहे हैं तो भाई लाइक तो बनता ही है, और इवन आपकी कॉल भी बनती है मेरे पास कि आप कॉल करके पूछो कि गिन्नी के बाल कैसे हैं। गिन्नी के बाल बहुत अच्छे हैं, ऐसा आप लोग भी ज़रूर करवाओ। तो गिन्नी मैं आपसे आपका एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि आपने पहले भी कहीं एक्सटेंशन लगाए थे और इन बालों में आपको क्या फ़र्क पता चला? तो मैंने पहले भी एक्सटेंशन करवाई थी, आपने शायद अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा दैट मैंने पहले भी एक्सटेंशन करवाई थी, बट उसमें कलर डिफरेंस बहुत आ रहा था और उसमें पैच रह गए थे थोड़े, और उसमें पता लग रहा था दैट एक्सटेंशन है, बट इनमें बिल्कुल पता नहीं लग रहा, बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसे मेरे अपने हैं वैसे ये हैं, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा, मैच हो गए हैं। एंड कलर मैम ने पहले मेरे हेयर को किया, उसके बाद फिर एक्सटेंशन को कलर मेरे सामने किया, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि हाँ ऑब्वियसली ये बिल्कुल नेचुरल हेयर है, तब भी जो कलर है प्रॉपर लाइक सही, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो 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 चीज़ आपके बालों में हो सकती है वो इन बालों में भी हो सकती है, केवल यही प्रूफ होता है, क्योंकि बैक में हम आपके बालों को कलर करके रखें और आपके सामने आके लगा दें, ऐसा काम ही, बाकी कहीं से पता नहीं लग रहे हैं, कोई कुछ विजिबिलिटी नहीं है कि दैट हाँ हम पोनी टाई नहीं कर सकते हैं या कुछ स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं, हम इसको कर्ल भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारे अपने हेयर की तरह ही है ये। सो स्वीट, थैंक यू यार, थैंक यू मैम, थैंक यू डार्लिंग। मेरे चैनल मेरे फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी कर देना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा, एंड मैम को कॉल करो और जल्दी से यहाँ पे आओ अगर ऐसे अच्छे अच्छे बाल सीखे तो, वीडियोस में ऐसे ऐसे घुमाना फिर।